ऑन द सेकंड टॉपिक फोर्स ड्यू टू इंटरेक्शन। आप लोगों को पता होगा कि आप लोग जो है किसी भी बॉडी को, हमने बोला आप लोगों से, आप लोग क्या करते हो, पुल करते हो या पुश करते हो। तो पुश करते हो तो आप लोग किसी भी बॉडी के क्या आते हो, कॉन्टेक्ट में आते हो। बेसिकली क्या है, कॉन्टेक्ट में आए बिना आप लोगों का फोर्स पॉसिबल ही नहीं है। आपने देखा होगा कि आप लोग खेलते हैं, कूदते हैं, आप लोग किसी भी बॉल को हिट करते हैं, लाइक फुटबॉल लीजिए, फुटबॉल को आप लोग रखा हुआ फुटबॉल आप लोगों को मूव नहीं कर सकता। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा उस पर बेटा, फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्स बाय द लेग्स। लेग से आप लोग हिट करेंगे, हिट करते ही वो बॉल क्या होगा, आप लोगों का वन ट्रांसफर होगा आप लोगों का वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो आप लोगों ने क्या किया वहां पर, आप लोगों ने पुश किया। बेसिकली क्या है कि पुश किए बिना कोई भी चीज फोर्स में नहीं आ सकती है। तो फोर्स आने के लिए इंटरेक्शन होना जरूरी है। आप लोग कहीं करते हो, अगर बॉक्सिंग मूव करते हो, बॉक्सिंग करते धड़ा धूम 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 करते हो, धूम धूम धा धूम धूम करते हो, तो वहां पे भी आप लोगों का क्या करना पड़ता है, पुल करते हो, पुल करते हो, खाट खाट पुल करते हो, तो वहां क्या है, आप लोगों का फोर्स लगाना पड़ रहा है। आप लोगों को ऑब्जेक्ट फिट करना पड़ रहा है, किसी के मुंह पे मारना है तो आप लोग वहां क्या कर रहे हो, मुंह फोड़ना है, तो आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग एक फोर्स लगा रहे हो, एक ऑब्जेक्ट पे कॉन्टेक्ट में ला रहे हो। बिना इंटरेक्शन के या बिना कॉन्टेक्ट के आए बगैर आप लोगों का फोर्स क्या है, फोर्स की डेफिनेशन ही इम्पॉसिबल है, फोर्स नहीं पॉसिबल है। तो फोर्स के लिए क्या होना चाहिए, दो ऑब्जेक्ट के बीच में आप लोगों का क्या होना चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए। बिना इंटरेक्शन के फोर्स पॉसिबल नहीं है। इंटरेक्शन नहीं होगा, बॉडी मूव करेगी नहीं, बॉडी मूव करेगी नहीं, दैट मींस नो फोर्स, नो फोर्स। नाउ अब आप लोग और एग्जांपल ले सकते हो, कहीं पे भी आप लोग, मतलब आप लोग डेली टू डेली लाइफ में आप लोग क्या कर सकते हैं, इस फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं कहीं पर भी। आप लोग जैसे कि आप लोग आर्म रेसलिंग करते हो, आर्म रेसलिंग में क्या करते हो आप लोग, आर्म रेसलिंग में आप लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ते हो, हाथ पकड़ के क्या करते हो, पुश करते हो, पुश करते हो ना करते हो, पुश करने में आप लोग जो भी ना, जो ज्यादा जिसके फोर्स लगाता है वो विनर हो जाता है, और जिसके पास क्या होता है बेटा, कम फोर्स होता है वो क्या होता है, जरा सही हो जाता है। हैं, क्यों होता है जरा सही, क्योंकि क्या होता है उसके पास तो वो फोर्स नहीं लगा पाता है। अब ये मत कर देना कि यार मैंने हाथ उठा के लगा दिया यार मैं विनर हो गया, मेरे पास फोर्स ज्यादा है, ऐसा नहीं है। फोर्स की भी कंडीशन होती है कि आप लोगों का फोर्स कैसा लगना चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार फोर्स अप्लाइड हमने ऑब्जेक्ट पे कर दिया, ऑब्जेक्ट सामने वाला जो है पकड़ ही नहीं पाया तो हम विनर हो गए, हमारा फोर्स ज्यादा है, हम ताकतवर हैं, हम बूढ़े हैं, ये है वो है। ये मींस नहीं, बस ये है कि फोर्स जब ही आपका लगेगा, आप लोग याद रखिए कि आप लोगों का इंटरेक्शन होगा एक दूसरे से, आप लोग क्या करेंगे, पकड़ के चलेंगे, पकड़ के मतलब जब हाथ आपके आर्म आप लोगों के प्रॉपर क्या होंगे, स्ट्रिंग में होंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि गर्ल्स होती हैं, गर्ल्स खेलती हैं, आप लोगों का हाथ पकड़ती हैं, हाथ पकड़ के क्या करती हैं, मूव करती हैं एक दूसरे से। अगर बिना मूव किए, अगर मूव हाथ नहीं पकड़ेंगे, इंटरेक्शन नहीं करेंगे, तब तक आप लोगों का फोर्स क्या होगा, इम्पॉसिबल होगा, फोर्स नहीं वहां पर क्या आ सकता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एक्सप्लोरिंग फोर्स मींस क्या है, कि फोर्स के बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए बेसिक क्या है, कुछ ना कुछ कभी ना कभी जरूरत पड़ सकती है। ये आपके आगे भी टॉपिक आएंगे, टेंथ में भी आप लोगों के आएगा ही आएगा कि फोर्स की डेफिनेशन, फोर्स क्या है, यूनिट्स क्या हैं, वहाँ पर आप लोगों को इस चीज़ की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, तो वहाँ पे आप लोग कोई ये चीज़ फिर माइंड में नहीं आनी पड़ेगी। क्या होता है कि स्टडी उतना ही होना चाहिए जितना कि कम स्टडी में आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा क्या कॉम्प्लिकेशन दूर हो जाए, आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कंसेप्ट क्लियर करना ही अपना उद्देश्य होता है। यहाँ पे जो आप लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें आप लोगों का क्या है कि सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की गई हैं, A to Z चीज़ें आप लोगों की कवर हो जाएंगी, ऐसा अपना मतलब प्रॉमिस है आप लोगों से। आप लोगों को एंजॉय भी आएगा, एग्जांपल्स भी मिलेंगे, आप लोगों को कुछ बेसिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी मिलेंगी जो आप लोगों के लिए बेनिफिट होंगी। ठीक है, अब आप लोग बात करते हैं किस चीज़ की, फोर्स। फोर्स की क्वान्टिटी अभी आप लोगों को हमने बात की थी, ये एक तरह से क्या है, वेक्टर क्वान्टिटी है। अब लोग बात करते हैं, छोटे बच्चे होते हैं जिनको अभी नहीं समझ में आएगा कि ये वेक्टर स्केलर क्या होता है, तो एक मोटा मोटा आप लोग नॉलेज रखिए, इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में बात करेंगे जब हम लोग आप लोगों को वेक्टर टॉपिक पढ़ाएंगे। एक वेक्टर टॉपिक वो है उसमें आप लोगों के ये वेक्टर स्केलर, वेक्टर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, लाइक दिस टाइप, बहुत सारे आप लोगों की चीज़ें हैं जो वहाँ पर आप लोगों को हम लोग क्लियर करा देंगे, कोई डाउट नहीं है। तो क्वांटिटी आती है आप लोगों की स्केलर वेक्टर। एक चीज समझिए आप लोगों का कि कभी हम लोग स्केलर एंड
वेक्टर प्रोडक्ट, व्हाट इज द स्केलर, आपने देखा होगा अपन लिखते हैं क्या 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, ओनली 10 न्यूटन, 10 न्यूटन और 5 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और सॉरी 10 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बोथ आर सेम, यस प्रीति, बोथ आर सेम, यस सर, ओके, बोथ आर सेम इज बिकॉज बोथ आर द यूनिट आर न्यूटन एंड केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट आर सेम देन फोर्स आर सेम, बट डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन दीज आर n and kg meter per second square, these are the unit of the force and magnitude is 10 10, so both are same, okay. If we change in their 5 kg meter per second square, is these four, this forces are same? No sir, they are different. Okay, they are different. Why different? Because 10 is another quantity and 5 is another quantity. Like difference in magnitude, so scalar quantity generally you have, so only magnitude means like this quantity 10 and 5. If we correction with say 10 newton in east direction, अगर आपने कोई फोर्स लगाया कहाँ ईस्ट डायरेक्शन में लगाया और आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया वेस्ट डायरेक्शन में, देयर आर द स्विंग डायरेक्शन इन ईस्ट और वेस्ट और नॉर्थ साउथ, दीज आर द स्विंग डायरेक्शन, दीज क्वांटिटी आर स्विंग मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, तो दीज आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी आप लोगों की होती है जहां पे आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ आर इंडिकेटिंग, आपके कहीं भी न्यूमेरिकल्स आते हैं या कहीं पे भी आपका इस तरह से आता है क्वेश्चंस में, तो आप लोग वहां पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहां पे आपका 10 न्यूटन ओनली दिया रहेगा, यहां पे 10 न्यूटन इन डायरेक्शन, सो इन डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉट लाइक दिस लाइक राइट लेफ्ट, इस तरह की आपकी डायरेक्शन दी रहेगी, तो वहां पे आपको ये पकड़ना है, आप लोगों को कैच करना है कि दीज आर स्केलर और वेक्टर. There are the some examples like distance, temperature and time. You know distance is showing 10 meter only, 10 meter, okay. Time, आप लोगों ने पता किया होगा, time आप लोग देखते हो, मम्मा क्या मामा बोलती है, कितना बजे कितना time हो रहा है बेटा, आप बोलते हो 7 o'clock, okay. आप लोगों से पूछा जाता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना, कितना होता है बॉडी का टेम्परेचर आप लोगों का, 98.4 फारेनहाइट, वेरी गुड, ठीक है. तो ये दीस क्वांटिटीज आर शोइंग ओनली मैग्नीट्यूड, राइट, मैग्नीट्यूड 10 मीटर 7 o'clock, तो दीस आर क्वांटिटीज शोइंग ओनली मैग्नीट्यूड, नॉट शोइंग डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, आपका टाइम हो रहा है, टाइम का क्या डायरेक्शन है, टाइम किधर जा रहा है, टाइम हमेशा आगे ही जाएगा, आप लोगों का पीछे नहीं जाएगा, टाइम एक ही डायरेक्शन में जाएगा, आपकी घड़ी क्लॉक वाइज में घूम रही है तो आपके क्लॉक वाइज में आप धीरे धीरे आप लोगों का टाइम क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा टाइम आप लोगों का. इसी तरह से अगर हम बात करते हैं किसकी, वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, आप लोगों का फोर्स होता है, फोर्स है, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, ऐसे आप लोग जानते हो क्या वेलोसिटी किस पर डिनोट करते हैं अपन, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड का मींस ये हो गया आप लोगों का डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू बॉडी एंड टू डिस्टिंक्ट प्लेसेस, ए टू बी मतलब 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ, इधर हुआ वो आपको पता होगा, आप लोगों का राइट हुआ, लेफ्ट हुआ, नॉर्थ हुआ, साउथ हुआ, ये आप लोगों का पता होगा. तो यहाँ पे आपका वेक्टर में आप लोगों का क्या होगा कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी आप लोगों का गिवन होगा, आप लोगों का कि वेलोसिटी, आपकी कार से जा रहे हो, आप लोग कार से जा रहे हो तो किधर की साइड जा रहे हो, आप पता होगा ना आपको, आप किधर से जा रहे हो, आप पता चला कि दिल्ली
से बॉम्बे जा रहे हो, बॉम्बे से कहाँ जा रहे हो, पुणे जा रहे हो, तो यहाँ आप लोगों को क्या है, यहाँ आप लोगों को ये पता है कि आप लोगों को किस डायरेक्शन में जाना है। तो मैग्नीट्यूड भी आप लोगों को पता है कि 50 मीटर पर सेकंड से चल रहे हो आप, 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हो, तो वहाँ पे आप लोगों को वेलोसिटी मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन से शो किया जाता है, दैट इज कॉल्ड वेक्टर। ओके गाइस क्लियर। नाउ अब हम लोग बात करते हैं नेट फोर्स की, बात करते हैं नेट फोर्स क्या होता है। नेट फोर्स बेसिकली क्या है कि आप लोगों का किसी भी बॉडी पे अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, आपके फ्रेंड कर रहे हैं, किसी भी एक टेबल को आप लोगों को क्लास में एक टारगेट दे दिया गया है, इस टेबल को सरका के प्रिंसिपल रूम में ले जाइए, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, उसमें आप लोग उठाएंगे, कुछ बच्चे होंगे उसको पुश करेंगे, पुश करेंगे, एक बच्चे से पुश नहीं पा रही है, दो बच्चे पुश करेंगे, तीन बच्चे पुश करेंगे, तो सभी का एक अलग अलग अपना फोर्स होगा। कुछ बच्चे ज़्यादा फोर्स लगा रहे होंगे उसमें, कुछ बच्चे नहीं कर रहे होंगे, कुछ बच्चे लोग हंस भी रहे होंगे और कुछ क्या कर मस्ती भी कर रहे होंगे, तो उस केस में क्या होगा कि कुछ बच्चे, लेकिन टारगेट क्या है सबका, सबका है उस टेबल को आप लोगों का शिफ्ट करना है, क्योंकि आपको ऑर्डर मिला हुआ है, आप लोगों को टीचर ने बोला है यार ये आप लोगों को शिफ्ट करनी है टेबल। उस क्या होगा उस केस में, उस केस में होगा सबका कॉम्बिनेशन पॉसिबल, कोई भी वर्क हुआ आपके सबके कॉम्बिनेशन से हुआ, दैट मींस इसका फोर्स लगा, उसका फोर्स लगा, उसका फोर्स लगी, कुछ भी नहीं करना आप लोगों को, सबका क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट का मतलब हो गया कंबाइंड फोर्स, कंबाइंड फोर्स की बात आती है, कंबाइंड फोर्स या नेट फोर्स, टोटल फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स का मतलब ये हुआ कि आप लोगों ने सभी का कॉम्बिनेशन निकाल लिया। मान लीजिए आप लोगों का एक केस आता है कि टग ऑफ वार होता है, आप लोगों का, आप लोगों ने देखा होगा क्या टग ऑफ वार का प्रोग्राम होता है, तो उसमें क्या होता है, एक रोप होती है, रोप में क्या होता है, काफी आदमी खड़े रहते हैं, इधर पांच आदमी, इधर चार, पांच आदमी बराबर से रहते हैं ना, आपने देखा है नहीं देखा, अच्छा तो आप लोग देखिएगा, एक तरफ अपने पापा को खड़ा करिएगा, एक तरफ आप खड़ा करिए होइएगा, क्या करिएगा, रस्सी लीजिएगा, कोई भी रस्सी ले लीजिएगा, मैं रस्सी लेके खींचिएगा, आप लोग कौन जीतेगा, आप नहीं नहीं कौन जीतेगा, पापा, पापा जीतेंगे आप लोगों के, पापा क्यों जीतेंगे आप लोगों के, क्योंकि पापा के पास क्या फोर्स ज्यादा है, पापा क्या कर सकते हैं उसको खींच सकते हैं, आपको पुल कर सकते हैं, क्योंकि आप उनके पास क्या है, उनके पास फोर्स लगाने की क्षमता ज्यादा है बेटा, उनके अंदर पावर भी ज्यादा है, वो आपसे बड़े हैं इसलिए, और कोई बात नहीं है, जब आप बड़े हो जाओगे तब आप उनको खींच देना, पढ़ देना, हाँ नहीं कर सकते हो, नहीं करोगे, अच्छा ठीक है, नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। तो टग ऑफ वार एक ऐसा गेम है बेटा कि जैसे उसमें आप लोगों का क्या है कि कुछ आपके फ्रेंड उधर खड़े हुए हैं, मतलब सेम नंबर ऑफ पर्सन, आई नो सेम नंबर ऑफ पर्सन लाइक 3-4 इधर इधर खड़े हुए हैं, और वो लोग क्या कर रहे हैं, आप उस वार को, टग को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज द ऑब्जेक्ट, मैंने जैसा बोला था आपको, दैट इज द ऑब्जेक्ट एंड इंटरेक्ट विद दिस पर्सन, ओके, और दे रोप इन कमिंग इन डायरेक्शन ऑफ मूविंग होगी जिधर मूव होगी उधर के लोग क्या होंगे, विनर हो जाएंगे, होंगे ना, होंगे विनर, तो जो ज्यादा फोर्स लगा गया वो विनर हो गया। इन केस अगर मान लो इसका फोर्स अगर कितना मानते हैं, अगर इस बच्चे का फोर्स FA, एक बच्चा है FB, FC, और इसका फोर्स मानते हैं FX, FY और FZ, ओके, तो अगर इनका कॉम्बिनेशन अगर किसी बात करें तो FA प्लस FB प्लस FC अगर बराबर है किसके, FX प्लस FY प्लस FZ के, तो क्या होगा, दोनों टीमों में से कौन सी टीम जीतेगी, बोलिए, कोई भी नहीं जीतेगी, क्यों, क्योंकि इधर का जो टोटल फोर्स है वो राइट हैंड साइड के टोटल फोर्स के क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो दैट इज नो विनर टीम,
बट लेकिन क्या होता है इन केस अगर इस टाइप इस तरफ की टीम लेफ्ट हैंड साइड का अगर रिजल्टेंट फोर्स ज्यादा हो गया, रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया, ज्यादा हो गया, ज्यादा होने के केस में क्या होगा बेटा, इधर की टीम क्या हो जाएगी, विनर हो जाएगी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्यों ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा इसलिए हो जाएगी क्योंकि इधर जो नेट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स या टोटल फोर्स क्या हो गया आपका, ज्यादा हो गया बेटा, ठीक है ना। तो जिधर भी ज्यादा हो जाएगा उधर की टीम विनर हो जाएगी। कहने का मतलब मेरा ये है बेटा, दिमाग में रखो कि नेट किसी भी फोर्स में अप्लाई करते हो वहां पे आपका कंबाइंड फोर्स जो है डिपेंड करता है बॉडी के जो है बॉडी को मूवमेंट में लाने के लिए, बॉडी को मूव में करने के लिए। ओके, एक एग्जांपल आप लोगों को और मैं देता हूं, आप लोगों से क्वेश्चन करता हूं, आप लोग बताइएगा। ये आप लोगों की स्कूल की टेबल है, ठीक है। इधर आप लोगों के बच्चे, एक बच्ची पढ़ी हुई है जिस जो लगा रही है 1000 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रही है। ये बच्ची भी क्या कर रही है, ये कर रही है कितने का 100 न्यूटन का फोर्स। कैन यू थिंक दिस बॉडी मे बी मूव? नो सर। नो सी बोला इन्होंने, ठीक है, अच्छा आंसर है, ठीक है, गर्ल्स का आंसर बिल्कुल सही है, इसने कहा नहीं होगी क्योंकि इसकी क्या है, ये फ्रेंड लगती है, ये इसकी फ्रेंड है, ये लोग क्या करेंगे आपस में ट्यूनिंग कर लेंगे, ट्यूनिंग कर लेंगे, बोलेंगे यार ये तो टेबल मूव ही नहीं कर रही है, अपन तो इसको ले ही नहीं जाएंगे, मैम से बोल देंगे क्या कि मैम टेबल तो हिल ही नहीं, हिल ही नहीं, दैट मींस क्या किया इन लोगों ने, बराबर फोर्स लगाया इसलिए ये टेबल मूव नहीं लग नहीं की। इन केस अगर हम इसको क्या कर दें, ये लड़की आधा मूव आधा फोर्स लगा दे, आधा फोर्स मतलब 50 न्यूटन का लगा दे, 50 न्यूटन का लगाते ही क्या होगा, ये टेबल किधर की तरफ जाएगी, राइट और लेफ्ट, राइट राइट जाएगी, बिल्कुल सही बोला तुमने, क्या कि ये बॉडी ये जो टेबल है TABLE टेबल, टेबल मूव करेगी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन बिकॉज़ दिस गर्ल हैविंग मोर फोर्स बाय अ मच फोर्स इन कंपैरिजन ऑफ सेकंड गर्ल्स। ओके, यहाँ पे ये बच्ची लड़की जो है इस लड़की से ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगी और आपकी टेबल क्या करेगी, आपकी टेबल मूव करेगी, किधर की तरफ मूव करेगी, लेफ्ट टू राइट करेगी। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को?